हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड जितेंद्र। आईटी स्कोर हिंदी की इस न्यू वीडियो में मैं आपको सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर मुझे फेसबुक के ऊपर काफ़ी दोस्तों ने लिखा है कि आप एक ऐप कैंपेन बनाइए जिस पे हम ऐप डाउनलोड करवा सकें। तो बेसिकली कैंपेन वैसे ही चलती है जैसे नॉर्मल कैंपेन ही चलती है, पर उस ऐप कैंपेन को आपको कनेक्ट करना होता है अपने पेज के साथ, जो आपकी ऐड है उसके कीवर्डों के साथ। तो मैं आज आपको एक बेसिक ऐप कैंपेन बना के दिखाऊंगा। बाकी आप जो भी सेटिंग है, मेरी पुरानी वीडियो कोई भी देख सकते हैं, एडवर्ड की वैसी सेटिंग करनी है जैसे कि हम करते हैं हमेशा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी कैंपेन। तो सबसे पहले तो मैं एडवर्ड ओपन कर लेता हूँ। मेरा एडवर्ड आपके सामने ओपन हुआ हुआ है इस टाइम। तो ये प्लस का साइन आ रहा होगा, पहले तो ओवरव्यू पे होगा, आपको कैंपेन में आना है। कैंपेन के बाद ये प्लस का साइन आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है। फ्रेंड, गूगल एडवर्ड में ये सभी तरीके की कैंपेन चलती है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, सेल, लीड के अकॉर्डिंग, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट एंड ब्रांड एंड ऑसम एंड ऐप प्रमोशन। आप कोई कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं खुद भी। तो हमने आज ऐप के ऊपर कैंपेन बनानी है, तो ऐप कैंपेन आप यहाँ से बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी ऐप, ठीक है, इससे आप कंटिन्यू कर लीजिए। बेसिकली आपकी कौन सी ऐप है पहले आपको वो बताना ज़रूरी है। एंड्रॉयड, iOS या फिर आप विंडो ऐप को चलना चाहते हैं तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं आप विंडो। मैं एंड्रॉयड को ले रहा हूँ, आप कोई भी ऐप ले सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको यही ऐप लेनी है। या फिर आप एंड्रॉयड को क्लिक करने के बाद मैं आगे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आपको अपनी ऐप का जो नेम है वो सिलेक्ट करना है। मैं ऐसे ही कुछ नेम दे रहा हूँ अभी, राउट टाइम मैं जतिंदर ही लिख रहा हूँ। तो काफ़ी ऐप आ रही है यहाँ पे, तो जो आपकी ऐप है वो किस नाम से है वो आपने यहाँ शो अप करना है। तो पहले तो आप, मैं इसी तरह कोई भी ऐप ले लेता हूँ। देखिए, मैंने एक सी ऐप को ले लिया राइट नाउ। तो मैंने सिर्फ कैंपेन बनाने के लिए ये ऐप ले रहा हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। आपकी अपनी कैंपेन का नाम फाइंड करना आपने, और यहाँ पे आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। बाद में कंटिन्यू के क्लिक करने के बाद पेज थोड़ी देर लिए लोड होगा। लोड होने में फ्रेंड आपको वही सेटिंग आएगी जो ऑलरेडी पहले आती है। आपने ऐड टेक्स्ट लिखनी है 4, जो आपकी ऐड कैंपेन के लिए होंगे, मतलब कि जो आप शो करवाना चाहते हैं फ्रंट में। जैसे कि मैं कोई भी कीवर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने, तो ये कीवर्ड होंगे जो कि गूगल के ऊपर फाइंड अप होंगे। तो आपको वही कीवर्ड लिखने हैं जो आपकी ऐड के ऊपर हो। तो आप किस वे से ऐप दिखाना चाहते हो, कहाँ पे ऐप दिखाना चाहते हैं, ये आपके सामने हैं ऑप्शंस। आप यूट्यूब पे ऐड दिखाना चाहते हैं, गूगल पे दिखाना चाहते हैं, डिस्प्ले नेटवर्क पे दिखाना चाहते हैं। जैसे कि ऊपर आप देख सकते हो कि ऐसे आएगी ऐप, गूगल पे वो इस तरह शो करेगी। अगर आप यूट्यूब पे ऐप दिखाना चाहते हैं तो वो ऐड के नीचे या स्किप ऐड पे आ सकती है आपकी ऐप, जो भी ऐप आपने बनाई है। या गूगल प्ले स्टोर में दिखाना चाहते हैं कि कोई सर्च करे तो गूगल प्ले स्टोर में वो ऐप पहले नंबर पे आ जाएगी, तो आप ऐसे भी वो दिखा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर वो ऐप दिखाई जाए तो आप वो वीडियो का नेम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आप दिखा सकते हैं कोई भी ऐप, आप इंडिया लोकल कहाँ पे ऐड दिखाना चाहते हैं वहाँ पे आप ऐप दिखा सकते हैं प्रॉपरली अच्छे तरीके से। लैंग्वेज तो इंग्लिश ही रहेगी आपकी। बजट, इसके बाद इम्पोर्टेंट होता है आपका बजट, आपका बजट क्या है। तो बजट मेन है, इसके बाद आपका ट्रैफिक, ट्रैफिक के बाद इसके बाद आप सेव कर लीजिए। हो बाकी की सेम कैंपेन सेम वैसी ही है जैसे चलती है। फ्रेंड, मेरी जो आप पिछली कैंपेन देख सकते हैं उसमें सेम वैसी कैंपेन है, जो हमेशा ही आपने वही सेटिंग करनी है जो मैंने आपको पुरानी पिछली वीडियो में दिखाई हुई है गूगल एडवर्ड की। तो आपकी कोई इंक्वायरी या क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करें। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका।